हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर वन. हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जेई एडवांस 2022 फिजिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं. ओके, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है एस्केप वेलोसिटी से. किससे रिलेटेड है? एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है. ग्रेविटेशनल चैप्टर का क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैविंग डेंसिटी रो ए एंड रो बी. दो हमारे पास स्टार है जिनका डेंसिटी अलग अलग है, रो एंड रो बी रेस्पेक्टिवली. ए एंड बी हैव द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है. देयर मासेस एम ए एंड एम बी आर रिलेटेड बाय एम ए इज इक्वल टू टू सॉरी एम बी इज इक्वल टू टू एम ए. तो ये हमको लिख लेना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर गिवन है, एम बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एम ए. दोनों का रेडियस इक्वल है और तो वॉल्यूम भी इक्वल होगा, मतलब बी का डेंसिटी जो है वो ए से डबल है. हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ बी इज़ टू टाइम्स ऑफ डेंसिटी ए. तो ये हमको थोड़ा हेल्प करेगा आगे. ड्यू टू द इंट्रैक्शन प्रोसेस स्टार ए लॉसेस ओके सम ऑफ इट्स मास सो दैट द रेडियस बिकम हाफ. जैसा यहाँ पर सेकेंड केस में हमको गिवन है, ये ए स्टार था, ये बी स्टार था और इसका मास यहाँ से कुछ बी पर डिपॉजिट हुआ तो इसका रेडियस आर बाई टू हो गया. कितना हो गया? आर बाई टू. ओके, और इसका रेडियस हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में तो आर था और बाद में आर डैश हो गया. तो ये आर डैश भी हमको फाइंड करना है, थोड़ा सा एक टिपिकल टास्क हमारे पास में होगा. तो यहाँ पर हम सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला लिख लेते हैं. एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी स्टार और एनी प्लैनेट इज इक्वल टू 2gm बाय r. कितना होता है? 2gm बाय r. और यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है. तो सबसे पहले अगर हमको vb बाय va फाइंड करना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन वही है, इफ va एंड vb द एस्केप वेलोसिटी ऑफ a एंड b आफ्टर द इंट्रैक्शन, सो vb बाय va इज इक्वल टू रूट 10n डिवाइडेड बाय 15 रस्ट पावर 1/3, देन वैल्यू ऑफ n इज n का वैल्यू आपको एंटर करना है. तो यहाँ पर आपको a का और b का मास और रेडियस पता होना चाहिए आफ्टर द इंट्रैक्शन, तब जाके हम रेशियो निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम m का मास निकालते हैं. हम बात करते हैं फॉर a, ओके, मास आफ्टर इंट्रैक्शन, आफ्टर इंट्रैक्शन प्रोसेस. तो सबसे पहले हम उसका मास निकाल लेते हैं, ठीक है. कितना होगा? उसे हम लिख लेते हैं m a डैश. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसका डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम 4/3 पाई और रेडियस हो गया r बाई टू और इसका क्यूब. इसे हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो एम ए डैश जो होगा वो होगा रो ए इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर 2 का क्यूब होगा तो डिवाइड में 8 आ जाएगा. और ये ऊपर वाला जो टर्म है, जो ऊपर वाला टर्म है, ये पूरा मिलके एम ए बना लेगा. क्या बना लेगा? इनिशियल मास एम ए बना लेगा. तो हमारे पास में आ जाएगा एम ए डिवाइडेड बाई 8. ये है न्यू मास. ओके, अगर हम मास ट्रांसफ़र की बात करें कि यहाँ पर m कितना ट्रांसफ़र हुआ है, तो मास ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं, ठीक है. मास ट्रांसफ़र, कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है? तो m a पहले था और बचा कितना? m a by 8. LCM लेंगे तो मिलेगा 7 m a by 8. कितना मिलेगा? 7 m a by 8, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास में ए का रेडियस भी पता चल गया और ए का मास भी पता चल गया. अब हम बात करते हैं फॉर बी. बी के लिए हम बात करते हैं तो उसका रेडियस हम फाइंड करते हैं और मास हम फाइंड करते हैं. तो एम बी डैश उसे लिखेंगे. उसका पहले का मास एम बी इनिशियल था और बाद में ट्रांसफ़र कितना हुआ? 7 एम ए डिवाइडेड बाई 8. एम एम बी का वैल्यू यहाँ से गिवन है, क्योंकि सारी वैल्यू अगर हम एम ए के टर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रेशियो फाइंड करना है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 एम ए प्लस 7 एम ए डिवाइडेड बाई 8. एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 8 16, 16 प्लस 7 23 एम ए बाई 8. ये बी का नया मास आया. अब बी का हमको नेक्स्ट टास्क है रेडियस फाइंड करना. ओके, तो हम सबसे पहले आर डैश फाइंड करेंगे, है ना. यहाँ पर मास कितना डिपॉजिट हुआ है,
मास कितना डिपॉजिट हुआ है उसके टर्म में हम देखेंगे, हमको मास यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है 7, ठीक है। मास हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, न्यू रेडियस ऑफ बी, ओके। तो मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 7 MA डिवाइडेड बाय 8, मतलब कि 7/8 एम ए का वैल्यू रखेंगे रो ए, ओके, इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ओके। और ये किसके बराबर होगा, है ना, जस्ट मिनट, यहाँ पर हमको मिला मास डिपॉजिटेड दैट इज इक्वल टू मास डिपोज, कितना मास आया उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। वापिस से लिख लेते हैं, मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 7/8 इंटू एम ए, और इसको हम लिख सकते हैं 7/8 एम ए का वैल्यू कितना होगा, वो होगा रो ए इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, है ना। अब वहाँ पर रेडियस कितना बना, तो डेंसिटी था रो ए जो ट्रांसफ़र हुआ, ओके, और उसका वॉल्यूम जो शेल है उसका वॉल्यूम कितना है, शेल का वॉल्यूम हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो शेल का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर डैश क्यूब माइनस पहले था आर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम है ना, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ शेल, ये है वॉल्यूम ऑफ शेल जो शेल डिपॉजिट हुआ है ऑन बी, ठीक है। तो यहाँ पर रो ए से रो ए कैंसिल हो जाएगा, ओके, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 7 r³/8 इज इक्वल टू आर डैश क्यूब माइनस आर क्यूब। तो ये माइनस वाला आर क्यूब जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 7/8 आर क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब मिलेगा, और एलसीएम लेंगे तो 15/8 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब हमको मिला, ओके। यहाँ पर आगे लिखेंगे तो हमको मिलेगा आर डैश इज इक्वल टू 15^1/3 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। ये कैलकुलेशन शायद आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि 8^1/2 मतलब 2। अब हम रेशो ले लेते हैं, ठीक है, रेशो ले लेते हैं हम, यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमको फाइंड करना है VB डिवाइडेड बाई VA, है ना, VB डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पर हम B का फार्मूला लगाएंगे, इसके वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2g, ओके। और मास कितना हुआ बी का, बी का मास यहाँ पर हुआ 23, ओके, 23/8 एम ए, ओके, ये मास था, डिवाइडेड बाय आर। रेडियस हमने देखा 15^1/3 इंटू आर डिवाइडेड बाय 2, ये रेडियस आया, दिस इज़ फॉर बी। डिवाइडेड बाय, इसे हम यहाँ से थोड़ा सा डिलीट करके ऐसा लिख देते हैं, है ना, VB डिवाइडेड बाय VA इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय √2g, मास है एम ए बाई 8 और रेडियस हो गया r/2। तो यहाँ से 2g से 2g हम कैंसिल कर देंगे, ओके, दिस 2g विल कैंसिल आउट, MA विल कैंसिल आउट, R विल कैंसिल आउट, ओके, एंड दिस 2 ऑल्सो कैंसिल आउट। तो हमको मिला VB क्या मिलेगा, VB डिवाइडेड बाई VA इज इक्वल टू, है ना, दिस 8 अगेन विल कैंसिल आउट, सो 23,
डिवाइडेड बाय 15^(1/3) और इसका रूट, इसे हम लिख सकते हैं 10^15^1/3 इंटू 2.3 रूट। तो हम यहाँ से जब हमारे आंसर को कंपेयर करते हैं तो n का वैल्यू आता है 2.3। दिस इज़ द आंसर। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है सो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू वेरी मच।